दत्तलाल साहब, आप इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते, आपको कुछ करना होगा। मेरे बस में होता तो मैं जरूर कुछ करता, लेकिन इस वक्त मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं बेबस, चले जाओ घर, चाहे यहां से मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, मैं मैडम निलोफर को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम उसे रोक नहीं सकते करचा, क्योंकि वो किताब उस तक तुमने पहुंचाई है। वो किताब मैंने ही मैडम निलोफर तक पहुंचाई, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो। दलाल साहब, दलाल साहब, मेहरबानी फरमाकर कुछ कीजिए, वक्त बहुत कम है। सोचे तो सही तलाल से, शायद कोई तरीका हो। है, बिल्कुल है। तरीका यह है कि वो अपना अमल शुरू करने से पहले उसको मौत आ जाए तो वो रुक सकती है, वरना उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता करचप। क्या हुआ करचप, अब चुप क्यों? अगर मैडम नीलोफर को रोकने का यही तरीका है तो ये काम मैं करूंगा दलाल साहब। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो तुम करचा? आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं जल्दी वापस आऊंगा। करचा, मेरी बात सुनो करचा, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। बुराई का खात्मा बुराई से नहीं करते करचा। करचा, मोहब्बत करती थी मैं, सिर्फ उसको हासिल करना चाहती थी, लेकिन मैं उल्टा फंस गई। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो। मैंने उसको इसलिए बुलाया था शादी की रात वहां से, ताकि वो बच सके, मुझसे शादी कर सके, लेकिन उसने गुड़िया का इंतकाम किया। मैं चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि वो मर जाए। मैं खुद चाहूंगी जिससे मैं मोहब्बत करूंगी, उसको मैं मारना चाहूंगी, मैं खुद बताए। तो बेहतर था कि तुम मर जाती। जनाजा आता ना घर में तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारी नहीं होता। इसको इतनी शर्म नहीं है, जिन लोगों ने सारी जिंदगी तुम लोगों को पाला, उनके एहसानों के बोझ तले दबे हो। अभी का घर जला के आई है ये। बंद कर दे इसे कोसना, अपने गुनाह की सजा काट रही है, जल रही है पछतावे की आग में। ये तरबियत दी थी तुम लोगों को कि अपने मफाद के लिए किसी की भी जान ले लो। मैं हसान की जान नहीं लेना चाहती थी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। जान तो गई है ना सिद्रा, गई है ना जान, क्यों मिला गुड़िया की जिंदगी बर्बाद करके? अभी मैं भी तो बर्बाद हो गई हूँ ना। दूर हो जाओ, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अरे मैं अपने मौसम को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? इससे तो बेहतर था कि तुम चारों पैदा होते ही मर जाती। अभी मुझे माफ कर दे। अल्लाह रे, इससे बोलो तो फौज आ गई नजरों के सामने से, मैं इसे जान से मार दूंगी। माफी मांग रही है, पछता रही है, कितने अजाब से गुजरी है आप जानती हैं, माफ कर दे उसे। तुम पे तो जो गुजरनी थी वो गुजर गई सिद्रा, लेकिन गुड़िया और हसान के साथ जो ना इंसाफी हुई है ना,
इसका अजाला कुछ भी नहीं है। सारी जिंदगी राशिद भाई से नजर नहीं मिला सकती। बहुत शर्मसार हूं मैं। निलोफर, निलोफर को क्या हुआ करचा? किसने मारा निलोफर को? मैंने मारा। तुमने? तुम ऐसा क्यों करोगे करचा? एक बुरी औरत थी, उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरी बात सुनो फिरोज। नीलोफर हमेशा से दूसरों का इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए, जैसे उसने मेरा और तुम्हारा इस्तेमाल किया। ये किताब देख रहे हो? ये किताब मैं तलाल से चोरी करके लाया था। जानते हो इसमें क्या है? इसमें तुम्हें कैद करने के मंत्र हैं। नीलोफर तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए कैद करना चाहती थी। शुक्र करो कि मैं वक्त पर आ गया और तुम्हें नीलोफर की कैद से हमेशा के लिए आजाद करवा दिया। अमल के दौरान नजर आने वाला खून
इस बात की तरफ इशारा था कि बहुत बड़ा अलमिया होने वाला है। बदले की आग में तड़पती आंखें अभी भी किसी इंसान की नहीं, रूह की हैं। सालिया वापस आ गया शख्स। सिद्रा के रूप में उसने अपने होने का एहसास दिलाया मुझे और सब सच बता दिया। कितना बदनसीब हूं मैं, खुद अपनी बेटी को किसी कातिल से ब्याह दिया मैंने। रूहानी ताकत मादी वजूद की कैद से आजाद होता है, वो किसी के भी जिस्म में दाखिल होकर उसके जहन की बातों को जान सकता है जो हम नहीं जान सकते। हसान को कत्ल करने वाले दोनों लड़के अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। अब सालिया एहसन और सिद्रा को नहीं छोड़ेगी। अमवात के सिलसिले में बहुत सारी जाने जाएंगी और मुझे इस मौत के सिलसिले को रोकना होगा। उस रूहानी मखलूक को अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। जहां तक ताल्लुक है एहसन का, तो उसे कानून अपने तरीके से देखेगा। इतना बड़ा धोखा मैं कैसे खा गया? एहसन और सिद्रा को मैं क्यों नहीं समझ सका? क्यों अपनी बेटी की आंखों में झांक नहीं सका कि वो एहसन से शादी नहीं करना चाहती? राशिद, हम गोश पोस के बने हुए हैं, हमसे गलतियां हो जाती, खुद को ब्लेम मत करो। एहसन ने तुम्हारी सादगी का फायदा उठाया है, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझे आज ही अकेले अमल शुरू करना पड़ेगा और हां, कल का अमल मैं तलाल के साथ मिलकर करूंगा। बस तुम खुदा से दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। एहसन को छोड़ूंगा नहीं। देखो बेटा, अपने गुस्से पे काबू रखो। अल्लाह ताला ने हसान की मौत पर से पर्दा उठा दिया है। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। जो इस दुनिया से चला गया है वो वापस नहीं आ सकता। दुख तो इस बात का है कि सारे सानहे में गुड़िया और हसान का क्या कसूर था। हसान को बेमौत मार दिया गया और गुड़िया, वो तो बेचारी जीते जी मर गई। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। हसान की रूह को, हम सबको और गुड़िया को इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, खास तौर पर आरिफ तुमसे, इस वक्त हमें अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। जहां इतना सब्र किया है थोड़ा और करेंगे, इंशाल्लाह हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अरे बेटा, कानून को अपना काम करने दो, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। वापस आ गए तुम करचा। जी तलाल साहब, करचा ने आपकी किताब चोरी करके जो गलती की थी उसका आजाद आप कर दिया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं।
ये आपकी किताब। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे तहे दिल से माफ कर देंगे। करचा, ये किताब तुमने नीलोफर से कैसे हासिल की? उसे मारकर। अगर मैं थोड़ी देर और कर देता तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती। और ये अपने साथ किसको ले आएगा? अच्छा फिरोज, मिलने आया हूं तुमसे। फिरोज, तुम यहां कैसे आ गए? फिरोज, ये आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं इसको साथ ले आया। अच्छा किया यहां आ गए फिरोज। इससे तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक बुरे जिन नहीं हो। अगर तुम्हारे इरादे नापाक होते तो तुम यहां कभी ना आते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो रोज, मैं जानता हूं कि नीलोफर तुम्हारे वापसी के राह में रुकावट थी, लेकिन अब तो वो नहीं रही, तो अब तो तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो वापस। और ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है फिरोज, तुम्हारा वजूद इंसानों के लिए खौफ की अलामत है। तुम लैला से मोहब्बत करते हो और हो सकता है कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कोई जज्बा हो, लेकिन ये बात भी समझ लो कि इस मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है, बल्कि तुम्हारी इस मोहब्बत की वजह से उसकी जिंदगी अजाब बन चुकी है। रोज, तुम इंसान नहीं हो, इसलिए तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकोगे कि तुम्हारी वजह से वो किस अजियत से गुजर रही है, किस अजाब से गुजर रही है। रोज, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जबरदस्ती वापस नहीं भेजना चाहता। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाने का खुद फैसला करना होगा। मैं जानता हूं ये दुनिया मेरी नहीं है और ना ही यहां के लोगों के लिए मेरी मोहब्बत कोई मायने रखती है। जाऊंगा वापस, जाऊंगा जरूर, जाना ही है, हमेशा के लिए वापस जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक बार लैला से मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं लैला से। नहीं फिरोज, अगर लैला से मिलने के बाद तुम्हारे इरादे कमजोर पड़ गए और तुमने वापस जाने का इरादा बदल दिया तो हाँ, हो सकता है कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं वापस चला जाऊंगा हमेशा के लिए। और एक बार अगर फिरोज कोई वादा कर दे तो वो वादा तोड़ता नहीं है, नहीं तोड़ता। नहीं फिरोज, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं तुम्हें लैला के पास जाने की इजाजत नहीं दे सकता। जनाब, एक बार इस पर भरोसा करके देखें। मेरा दिल कहता है कि ये आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, मैं तुम्हें पहली और आखिरी दफा इजाजत दूंगा लैला से मिलने के लिए, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा लैला से मिलने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ और उसको कभी परेशान भी नहीं करोगे। मैं लैला से मोहब्बत करता, तकलीफ तो नहीं दे सकता ना। मैं वादा करता हूं उसे मिलकर चला जाऊंगा हमेशा के लिए।
शागिनिया ने कुछ नहीं किया, प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया, प्लीज मुझे कुछ नहीं करा, प्लीज मुझे कुछ नहीं करा, मुझे कुछ नहीं करा, प्लीज। जगह तो यही बताइए, काफी वीरान जगह है ये। खैर ढूंढते हैं, यही कहीं होगा। आओ देखो, यही तलाश करो, ऐसे यही कहीं होगा। बचा लो मुझे। खबरदार हिलना नहीं। सर सर प्लीज मुझे याद ले जाए, मुझे बाहर। तुम्हें तो ढूंढ ढूंढ के हम थक गए, तुम्हें तो लेने के लिए आए, चलो गिरफ्तारी दो। सर मैं सारी बात तुम कबूल कर लूंगा, मैंने कब किया, सर प्लीज मुझे ले जाए, मुझे मार देंगे। सर 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 प्लीज ले जाए, चलो मेरी अम्मी ने तुम्हारे पापा से हमारे रिश्ते की बात की थी, लेकिन अभी तक तुम्हारे घर वालों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्योंकि बाबा ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया, और मेरा फैसला ये है मिस्टर हसन कि जब तक आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, शादी वादी की बात तो रहने ही। अच्छा, और अगर मुझे अच्छी जॉब ना मिली तो? तो मिस्टर गुड़िया राशिद से आपकी शादी नहीं हो सकती। ऐसी बात मजाक से भी मत कर, मेरे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक बार बाबा के घर से खुशी खुशी तुम्हारे घर चले, उसके बाद तुम्हारे सारे दुख मेरे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और अगर कभी रो भी पड़ी तो बाबा तक अपने रोने की आवाज नहीं जाने दूंगी, और अपनों की मोहब्बत को हमारे बीच नहीं आने दूंगी, और मैं कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। राशिद भाई मैं पूछ रही हूं कि हसन ने क्या कहा है आपसे शादी से? इनकार इनकार करते। हर दुख हर सुख में एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई थी, और दोनों ने ही एक दूसरे को तड़पने के लिए छोड़ दिया। तुम पर कयामत टूट गई और हम अपनी बर्बादी पर रोते रहे। बेवफाई की वजह से मैं अंदर ही अंदर टूटती रही, सिसकती रही, जबकि हसन को तो मुझसे छीन लिया गया था। और किस्मत का खेल देखो, उसी के कातिल की दुल्हन बनकर चली गई, उस शख्स की बीवी बन गई, उसकी खिदमत करती रही जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने सित्रा का क्या बिगाड़ा था कि उसने ऐसे के साथ मिलकर ये खेल खेला?
बर्बाद करने वाला दुश्मनी नहीं निभाता। ये तो हालात ऐसे इंसान के सामने आ खड़े होते हैं। तुमने शाहनवाज और नहल आंटी का क्या बिगाड़ा था? अल्लाह हमेशा मजलूम के साथ होता है। दिल से निकलने वाली आहें अर्श तक जाती हैं। अगर वो ऐसा, वो तो अभी भी आजाद फिरा है ना। जब तक उन दोनों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाएगी, मुझे सुकून नहीं आएगा। पिंकी, हम दोनों अपने जख्मों में इतना उलझे हुए थे, हम एक दूसरे को गले लगाना ही भूल गए। मैं तुम्हें किसी बारे में बताना चाह रही थी। किस बारे में? फिरोज के बारे में। फिरोज के बारे में? मुझे पता था आप दोनों रो रही होंगी, इसीलिए मैं आया। आपी, आप दोनों ने अब बिल्कुल भी नहीं रोना। इस बात को एक खौफनाक ख्वाब समझ के भूल जाएं। शुक्र करें अल्लाह का कि हकीकत सामने आई और उस दरिंदे से जान छुटी आप लोग की। कितनी बड़ा वाली बातें करना शुरू करती है ना इसने। बड़ा हो गया है। इधर आओ, इतने भी बड़े नहीं हुए तो। गुड़िया, तुम्हें बाबा नीचे बुला रहे हैं, कोई तुमसे मिलने आया है। पिंकी, साथ जाएंगे। बस कर दे अम्मी, और कितना रोएंगे। क्या करूं, मेरे जख्म आ रहे हो गए। सारा मंजर एक बार फिर से ताजा हो गया। शादी की शहनाइयां सिसकियों में बदल गई। वो आवाजें खुश थी या मेरे जहर? ऐसा और सिद्रा इस हद तक गिर जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। शायद इसी रात से पर्दा उठाने के लिए हसान की रूप बार बार हमारे सामने आती थी। आप फिक्र ना करें, उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी, बच नहीं सकेंगे वो। इंसानों की अकल महदूद होती, हम समझते हैं जालिम की पकड़ नहीं होती, मगर वो परवरदिगार हमसे गाफिल नहीं है। वो हकीकत एक ना एक दिन सामने ले ही आता। मासूम का खून बहाने वाला के अज़ाब से कभी नहीं बच सकता। नहीं बचेगा, कभी नहीं बच सकता। हेलो, कब कैसे?
अरे बेटा, किसका फोन था? सब खैर है ना? हमें इंसाफ मिल गया अम्मी, इंसाफ मिल गया। हकीकत जानने के बाद जान निकली है या नहीं? जिंदगी से अच्छी तो मौत है जो जहन्नुम में धकेल दिया है तुमने मुझे। गुड़िया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और बर्बाद सिर्फ तुम नहीं बल्कि मैं भी हुई हूं। मैंने गन पॉइंट पे अपनी जिंदगी को दांव पर लगा के आसान से शादी से इनकार करा दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि एहसन के कहने पे वो लोग हसन को मार डालेंगे। अरे मुझसे मांग कर तो देखती, हसन की जिंदगी के बदले में अपनी खुशियां सबके दे देती तुम्हें। तुमने तो कत्ल कर दिया उसे, उसके नाम का जोड़ा पहनकर बैठी थी उसके कातिल के साथ ही चल पड़ी। माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, पुलिस देख लेगी तुम लोगों को। राहिला बहन मेरे सबर का इम्तिहान मत लीजिए, सिद्रा को लेके यहां से चली जाइए। कुड़िया इसे माफ करे ना करे, लेकिन आपकी इज्जत की खातिर मैं पुलिस को सिद्रा के बारे में नहीं बताऊंगा। बेटी की रुखसती एक पाप का अरमान, मेरी बेटी की जिंदगी को इसने तमाशा बना दिया, एक बाप के जज्बात के साथ खेला है इसने। आपकी इज्जत को मैंने हमेशा अपनी इज्जत समझा, आपकी औलाद को हमेशा अपनी औलाद की तरह चाहा, यह सिला दिया इसने। चलिए यहां से। राशिद भाई मैं जानती हूं कि इसने जो गुनाह किया उसका कफारा सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकती, लेकिन आज से यह आपके हवाले, आप चाहे इसे जान से मार दें या पुलिस के हवाले करें, मैं बीच में नहीं आऊंगी। मैंने कहा ना, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है और उसी इज्जत की खातिर मैं इसे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। इसी तरह का हिसाब मैं अल्लाह पर छोड़ दूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गुड़िया को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन ये सारी जिंदगी पछताएगी। चाहिए यहां से। हाँ बोलो, सब ठीक है? अच्छा कब? एहसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।